पिछले वीडियो में हम लोग यहाँ तक कवर किए थे, यह है झारखंड का सीमा। अब आगे का सफ़र शुरू करते हैं और चलते हैं आगे। यहाँ पे आपको कुछ टिकट दिए जाएंगे जिसपे नंबर होंगे और इससे आइडेंटिफाई होता है कि कितने भक्त बाबा नाथ के लिए गए हैं। तो यहाँ पे नंबर आपको दिया जाएगा और मेरा नंबर था 438। तमाम कठिनाइयों को सहते हुए और दूरियों को तय करते हुए फाइनली देवघर नगर में पहुंच चुके हैं। बस यहां से मंदिर की दूरी मात्र 3 किलोमीटर रह गया है, तो उसे भी हम लोग कवर कर लेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं और दर्शन करते हैं भोलेनाथ। और ये सफ़र 15 तारीख को शुरू हुआ था और हम लोग 16 तारीख को जल उठाए थे सुबह 5 बजे और हम लोग 16 तारीख को लगभग 30 किलोमीटर चले थे। इसके बाद प्रत्येक 30 किलोमीटर के हम लोग रेंज लेकर और चल रहे थे और लगभग 4 दिन के यात्रा में हम लोग कंप्लीट किए थे, जो मंगलवार को 10 बजे हमारा कंप्लीट हुआ था और हम लोग दर्शन किए थे। मंदिर की तरफ जा रहा है जो दर्शन के लिए। तो हम लोग शिव गंगा की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे लोग स्नान स्नान करेंगे या फिर जो भी है पवित्र होंगे वहाँ पे चलते हैं। यह शिव गंगा जाने का तालाब है शायद, तो उसका दर्शन करवाते हैं आप लोग को, देखते रहिए। तो इसी को शिव गंगा के नाम से जानते हैं। आप देख रहे हैं बहुत ही शानदार यहाँ का नज़ारा है, चारों तरफ लोगों का भीड़ लगा हुआ है और बहुत बड़ा तालाब है ये। तो हम लोग भी यहाँ नहाते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं मंदिर की तरफ और दर्शन करते हैं भोलेनाथ का। तो देखिए इस तरह से इसे शिव गंगा के नाम से जानते हैं और हम लोग ने लगभग 4 दिन का सफ़र तय करके यहाँ तक पहुँचे हैं। हाय गाइस, आई एम नीतीश कुमार सिंह, गंगा नदी और बाबा धाम। जल यहाँ पे जल का जो है से संकल्प होगा और यहाँ से लोग जल लेकर पैदल और बाबा के ऊपर चढ़ाने चलेंगे। अब मुख्य मंदिर के लिए हम लोग रवाना हो चुके हैं। ये रास्ता मुख्य मंदिर को जाता है, वो सामने जा रहे हैं, उसके ऊपर भी आपको लौट जाना है। इस रास्ते से हम लोग फाइनली ये मेन गेट है, यहाँ से आप लोग इंटर कीजिएगा। लगभग 2 से 3 किलोमीटर आपको पूरे राउंड करना होगा जिसके बाद हम लोग मंदिर में पहुँचेंगे। ये रास्ता जा रहा है वहीं, तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से इस रास्ते से घूर के मतलब लगभग देखते हैं कितने दूर है और मंदिर पर जाया रास्ता है। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। और इन रास्ताओं से घूमते हुए हमको आगे बढ़ना है और देखिए दौड़ दौड़ के आपको जाना पड़ेगा। यही रास्ता है जो आपको मंदिर मिल जाएगा, ये रास्ता है, लाइन में लगे हुए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह से उस बिल्डिंग में भी हम लोग इंटर करेंगे, उसके ऊपर से भी जाना है, वो सामने के रेड कलर का ऐसा रास्ता है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो 4 पार्ट और है जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में या आप चैनल पर विजिट करके वहां से देख सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। गलियों से घूरते घूरते आगे बढ़ रहे हैं, तो भोलेनाथ की कृपा सब पर बने रहे। सभी श्रद्धालु भक्त चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जितने भी लोग देख रहे हैं। और फाइनली बहुत इंतजार के बाद दरबार में आ चुके हैं। ये रहा भोलेनाथ के दरबार जहां लोग लाखों लाखों की संख्या में दर्शन कर रहे हैं। यही है वो दरबार जहां लोग अपना अमूल्य जल जो सुल्तानगंज से उठा कर लाते हैं यहीं चढ़ाते हैं। देखिए बहुत ही शानदार बाबा का नज़ारा। यही वो सब मंदिर है आप देख रहे हैं। Oh, 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 oh
मंदिर है जो आप सामने देख रहे हैं, भगवान जी का, शंकर भगवान। और यह देखिए पार्वती जी का ये नज़ारा है। बहुत सारे यहाँ पे मंदिर हैं, आप देख रहे हैं बहुत सारे मंदिर, इसके चारों तरफ मंदिर ही मंदिर है और श्रद्धालुओं की भीड़ भी है। और ये मंदिर परिसर है जहाँ पे आप पूजा अर्चना कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं, चारों तरफ का नज़ारा देख सकते हैं और सभी मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक यह मंदिर है। यहाँ पे माना जाता है कि सबसे पहले रावण ने जल अर्पण किया था और एक और मान्यता है कि परशुराम जी सबसे पहले कंवरियाँ थे जो जल को अर्पण किए थे। तो ऐसा कुछ मान्यताएँ हैं। बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पे जहाँ पे आप पूजा कर सकते हैं, उसी में से एक ये भी है। और यहाँ पे तो पंडालों का अतिक्रमण है, वो लोग का यहाँ पे शासन चलता है, वो लोग का मतलब अच्छा खासा कमाई हो रहा है। यहाँ पे एक कुआं है मंदिर के बीच परिसर में, एक कुआं भी है जो आप देखिएगा, ये देखिए यहाँ पे एक कुआं भी है और जिसमें पानी भी है। इस तरह से हमारा 4 दिवसीय बाबा धाम का यात्रा संपूर्ण हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट में उसको बताइएगा और चैनल पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो बोलिए बोलबम, जय शंकर भगवान।